स्वागत है दोस्तों, आज 29 जून 2023 दिन गुरुवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से ईद उल अजहा 2023 मुबारक। हैप्पी ईद उल अजहा 2023। ईद की आपको ढेर सारी मुबारकबाद। दरअसल आज 29 जून को बकरीद या ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाएगा। बकरीद का त्योहार मुस्लिम समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इस साल बकरीद 29 जून 2023 आज यानी गुरुवार को मनाई जाएगी। वहीं देवसैनी एकादशी भी आज है और कई मांगलिक कार्य भी बंद हो जाएंगे। देवसैनी एकादशी से ही चतुर्मास भी शुरू होने जा रहा है और इसके बाद सभी मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने तक योग निंद्रा में रहेंगे और योग निंद्रा में होने के कारण देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। 4 महीने के लिए देवगण विश्राम करेंगे। चतुर्मास आज 29 जून से शुरू होने जा रहा है और 23 नवंबर को खत्म होंगे। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है गन्ने को लेकर। गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़कर 315 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में बुधवार 28 जून को कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने अगले सीजन के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP को बढ़ाने का फैसला किया है। FRP को सत्र 2023-24 के लिए 310 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। यानी FRP वह न्यूनतम दाम होता है जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है। हालांकि खबर यह आ रही है कि केंद्र के फैसले से हरियाणा के गन्ना किसानों को झटका लग सकता है। 10 रुपए बड़ी MSP का लाभ नहीं मिलेगा। स्टेट एडवाइजरी प्राइस के कारण फैसला लागू नहीं। अभी हरियाणा में 372 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ने की फसल की खरीद सरकार के द्वारा की जा रही है। वैसे पंजाब में अभी 380 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य है। वहीं हरियाणा में 10 रुपए बढ़ने के बाद 372 रेट हो गया। हरियाणा के किसान 450 रुपए रेट की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले ही प्रदेश के किसानों को तोहफा दे चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गन्ने का रेट बढ़ाने की घोषणा की थी और उन्होंने गन्ने के रेट में 10 रुपए की बढ़ोतरी कर 372 रुपए कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर देख पा रहे हैं। पीएम प्रणाम योजना को कैबिनेट की हरी झंडी। विशेष पैकेज के तहत खर्च होंगे 3.7 लाख करोड़ रुपए। यूरिया सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। वहीं मणिपुर सरकार नो वर्क नो पे नियम लागू करने वाली है। हिंसा के चलते ऑफिस नहीं जा रहे हैं कर्मचारी। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा के चलते कई सरकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। छुट्टी का अप्रूवल लिए बिना ही ऑफिस से गायब इन कर्मचारियों के लिए सरकार अब नया नियम लाने जा रही है। मणिपुर सरकार के एक अधिकारी ने बताया है जिसमें कहा जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही नो वर्क नो पे नियम लागू करेगी। वहीं इसरो से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इसरो 13 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च कर सकता है। चांद पर लैंडिंग अगर कामयाब होती है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश हो जाएगा। खबरों में बताया जा रहा है कि भारत का चंद्रयान 3 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी PTI ने इसरो के अधिकारियों के हवाले से इस तरह की जानकारी शेयर की है। हालांकि इसरो चीफ एस सोमनाथ जी ने न्यूज एजेंसी NI से कहा कि इसे 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच लॉन्च होना है। वहीं 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। महाबलेश्वर में पहाड़ धस गया। मुंबई में 1 की मौत होने की खबर है। सिवनी में 6 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग IMD के मुताबिक देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ी हुई है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में अब मानसून एक्टिव है। अब तक सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हुई है। वहीं देश के पूर्वी मध्य और उत्तर पश्चिम और साथ ही पश्चिमी राज्यों में 4 दिन मानसून एक्टिव रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं आधार कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को स्वैच्छिक बनाया है। वहीं मोदी सरकार ले सकती है एक बड़ा फैसला जिसमें कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही 2000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पास हो जाएंगे। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। बड़ी खबर है समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार को बड़ा समर्थन मिला। आम आदमी पार्टी ने कहा कि लागू होना चाहिए। यानी अब इस मुद्दे पर मोदी सरकार को आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। वहीं बड़ी खबर आ रही है कन्हैयालाल मर्डर केस पर बनेगी उदयपुर फाइल्स। बेटे ने कहा हमने मंजूरी दे दी है। उदयपुर के मशहूर कन्हैयालाल मर्डर केस पर फिल्म बनाने की प्लानिंग हो रही है। न्यूज एजेंसी ANI के एक रिपोर्ट के मुताबिक कन्हैयालाल के बेटे यश ने बताया कि उन्हें मुंबई से कुछ दिनों पहले एक फोन आया था। फोन मुंबई की कंपनी जानी फायरफॉक्स की ओर से था। खबर है कि यश और उनके परिवार ने मेकर्स को फिल्म बनाने की इजाजत दे दी है। बड़ी खबर है 2.5 लाख से अधिक पंचायतों में UPI से भुगतान की होगी सुविधा। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखा है। डिजिटल भुगतान के मामले में ग्लोबल
ग्लोबल लीडर बन चुके भारत ने इसमें और बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार ने देश की सभी 2.5 लाख से अधिक पंचायतों में UPI से भुगतान की सुविधा शुरू कराने का लक्ष्य तय किया है। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर, भगवंत मान सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, 12,700 टीचर्स को नियमित किया है, 3 गुना तक सैलरी भी बढ़ाई है। एडहॉक बेसिस पर काम कर रहे टीचर्स के लिए गुड न्यूज है। वहीं यूपी न्यूज अपडेट में आप देख सकते हैं, चौड़ी गलियां और कॉलोनियां होगी प्लान, योगी की नई टाउनशिप पॉलिसी गरीब और मिडिल क्लास के लिए वरदान बनेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक नई उत्तर प्रदेश टाउनशिप पॉलिसी 2023 को मंजूरी देने जा रही है। ये नीति राज्य के छोटे शहरों का कायाकल्प करेगी, वहीं गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी वरदान साबित होगी। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, महाराष्ट्र की 12.5 करोड़ जनता के लिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य के 12.5 करोड़ जनता के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाया गया। बुधवार 28 जून को हुई कैबिनेट मीटिंग में 28 बड़े फैसले हुए हैं। वहीं पीएम मोदी के आवास पर बीजेपी की बैठक हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। वहीं टमाटर की कीमतों से राहत मिलेगी, 68 रुपए प्रति किलो में बेचेगी तमिलनाडु सरकार। यानी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए टमाटर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पूरे तमिलनाडु में फार्म फ्रेश आउटलेट्स पर टमाटर बेचे जाएंगे। FFO में टमाटर 68 रुपए प्रति किलो मिलेगा। टमाटर के भाव भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है। वहीं सेबी से जुड़ी खबर है, शहरों के लिए लिस्टिंग का समय घटाकर 3 दिन करेगी सेबी। बैठक में 6 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। वहीं विदेश जाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है, 7 लाख रुपए तक विदेशों में खर्च कर TCS रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। बढ़ी हुई दरें अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगी। यानी विदेश में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर फिलहाल कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने 3 महीने के लिए यह फैसला टाल दिया। वही दोस्तों, राजस्थान के कोटा से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली और अलर्ट कर देने वाली यह बड़ी खबर है। 60 दिन में 9 बच्चों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। कोटा में ये क्या हो रहा है? विशेषज्ञों ने कहा कि ये हालात ठीक नहीं है, यहाँ पर छात्र लगातार अपनी जानें दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों को लेकर आप भी सावधान रहें। राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर कोटा में छात्रों के जान देने के मामले थम नहीं रहे। बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिलहाल ये कोई भी बताने को तैयार नहीं है। वहीं TS सिंहदेव छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी CM बनेंगे। विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले कांग्रेस ने यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव प्रदेश के पहले डिप्टी CM होंगे। बुधवार रात कांग्रेस अध्यक्ष ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान की बारी, 3 जुलाई को कांग्रेस की बैठक होगी और इस बैठक में भी कुछ महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है, गुजरात सरकार और माइक्रोन के बीच MOU साइन हो गया, सेमीकंडक्टर प्लांट से 20,000 नौकरियां पैदा होगी। यानी पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद गुजरात सरकार और अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बीच ये ऐतिहासिक MOU हो गया। वहीं दोस्तों, सौर ऊर्जा को लेकर मोदी सरकार एक नई नीति लाएगी। UP बिहार सहित पूरे देश में अब सोलर पैनल लगाना और भी आसान हो जाएगा। खबर है कि अब सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आम लोगों को सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराने के प्लान पर काम कर रही है और सरकार इसको लेकर जल्दी एक नई नीति पर दिशा निर्देश जारी कर सकती है। IIT बॉम्बे दुनिया के टॉप 150 विश्वविद्यालयों में शामिल, भारत के टॉप 10 संस्थान है। दरअसल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी कर दी गई है। इसमें दुनिया भर के विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी जाती है। दुनिया भर के इंस्टीट्यूट को अलग अलग पैमानों पर आंकने के बाद उन्हें स्कोर दिया जाता है और इसी स्कोर के आधार पर यह रैंकिंग तैयार होती है। अभी हाल ही की जो रैंकिंग है वो मंगलवार को जारी की गई। इस रैंकिंग में दुनिया के टॉप 150 विश्वविद्यालयों में एक भारतीय संस्थान ने भी जगह बनाई है और ये संस्थान है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे को इस रैंकिंग में 149वां स्थान मिला। इसके बाद दूसरा भारतीय संस्थान है IIT दिल्ली, जिसे 197वीं रैंक दी गई है। यानी कि टॉप 500 संस्थानों में 11 भारतीय संस्थान शामिल हैं। 271वें स्थान पर IIT खड़गपुर, 278वें में IIT कानपुर, 285 नंबर पर IIT मद्रास। इस तरह से ये रैंकिंग है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, व्यापारियों को 5 लाख का बीमा, आगरा मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा समेत योगी कैबिनेट में 33 प्रस्ताव पास हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में कुल 33 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सूक्ष्म उद्यमियों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, दुर्घटना बीमा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं आगरा और मथुरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत को भी मंजूरी मिल गई है। 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाए जाने को मंजूरी मिली है। मथुरा के बंद छाता चीनी मिल को शुरू करने की भी मंजूरी, 2009 से यह मिल बंद है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, फिल्म को पास कर देना एक ब्लंडर है, आदि पुरुष को लेकर यह बड़ी खबर है। जस्टिस श्री प्रकाश सिंह ने फिल्म निर्माताओं को नसीहत दी कि आप लोग राम के त्याग और भरत के प्रेम को केंद्रित करने वाली फिल्में क्यों नहीं बनाते, जिससे लोगों को अच्छी सीख मिले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
ने आदि पुरुष फिल्म के मेकर्स को फिर से लताड़ लगाई है। फिल्म को पास कर देना एक ब्लंडर है। वही दोस्तों टोमेटो से जुड़ी अपडेट खबर, 3 हफ्तों में 400% टमाटर की कीमत उछल गई है, 122 रूपए किलो भाव पहुँच गए। टमाटर की कीमत में 1 हफ्ते में काफी तेजी आई है। बड़ी खबर आ रही है इनकम टैक्स को लेकर, इनकम टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी खबर है। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरने का प्रोसेस शुरू हो गया है और इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। इस बार वित्त मंत्री जी ने न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में बदलाव किए थे, जिसके बाद में आपको 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। इसके अलावा जिन भी लोगों की इनकम 3 से 6 लाख रुपए के बीच में है, उन लोगों को इस पर 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपए की इनकम वालों को 10% की दर से टैक्स चुकाना होगा। वहीं 9 से 12 लाख रुपए कमाने वालों को 15% टैक्स भरना होगा। अगर किसी भी नौकरी करने वाले की सैलरी 12 से 15 लाख रुपए है तो इन लोगों को 20% टैक्स भरना होगा। इसके अलावा 15 लाख रुपए सैलरी वाले लोगों को 30% की दर से टैक्स चुकाना होगा। वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट पर छूट का फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है भारतीय संस्कृति को अमेरिका में तरजीह है, अब न्यूयॉर्क के स्कूलों में दीपावली की छुट्टी होगी। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, 5 किलो चावल के बदले अब रुपए मिलेंगे यानी कैश मिलेगा। दरअसल कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपनी 5 गारंटी में हर गरीब व्यक्ति को 10 किलो फ्री चावल देने का वादा किया था। फिलहाल सरकार अब तक BPL परिवारों के प्रत्येक सदस्य को केवल 5 किलो चावल ही उपलब्ध करा रही है। अब कहा गया कि सरकार BPL गरीब रेखा से नीचे कार्ड धारकों को 5 किलो चावल की जगह पैसे देगी। BPL राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों में चावल की जगह 34 रूपए प्रति किलो की दर से 1 जुलाई से ही पैसे जमा हो जाएंगे, खाते में पैसे आएंगे। चावल की खरीद तक ये अस्थायी व्यवस्था जारी रहेगी। चलिए राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति वाले दिन से ही मिलेंगे पेंशन परिलाभ, हेल्प डेस्क गठित कर दी गई है। वहीं भारतीय रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, 20 रूपए में जनरल कोच के यात्री भी खाना खा पाएंगे, 7 पूरी आलू की सब्जी और अचार मिलेगा, 50 रूपए में नाश्ता भी शामिल होगा, 3 रूपए में पानी मिलेगा। यानी रेलवे अब अपने जनरल डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी 20 रूपए में खाना उपलब्ध करवाएगा। वहीं राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी हो गया है। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में अब 5 रूपए में भरपेट खाना मिलेगा। मध्य प्रदेश में पंडित दीनदयाल रसोई योजना के तहत मिलने वाली खाने की थाली अब 5 रूपए में मिलेगी, अब तक ये थाली 10 रूपए में मिला करती थी। वहीं कैबिनेट बैठक में बुधवार को प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को भी मंजूरी दी गई है। निर्णय लिया गया कि नए मेडिकल कॉलेज खरगोन, धार, भीड़, बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी जिले में खोले जाएंगे। वहीं सरकारी कर्मचारियों के तबादले 7 जुलाई तक हो सकेंगे, पहले ट्रांसफर की तारीख 30 जून तक तय की गई थी। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि प्रदेश भर में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक विकास पर्व मनाया जाएगा। 10 जुलाई को लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त दी जाएगी, बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। केले की फसल नष्ट होने पर अब 2 गुना मुआवजा मिलेगा। और भी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। इसके अलावा रोजगार सहायकों का वेतन भी मध्य प्रदेश में अब डबल हो गया, अब 18,000 रूपए वेतन मिलेगा। CM ने कहा कि पंचायत सचिवों जैसी सुविधाएं मिलेगी। मध्य प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों में काम कर रहे ग्राम रोजगार सहायकों यानी GRS को अब 2 गुना वेतन दिया जाएगा। वहीं हरियाणा में गर्मी की छुट्टियां खत्म, 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। हिमाचल प्रदेश में सेब की ढुलाई ड्रोन से होगी, एक साथ 4 पेटियां जा सकेंगी। 100 किलो भार उठाने वाला ड्रोन तैयार हुआ है, 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया है। वहीं राजस्थान में 545 कॉलेजों में एडमिशन शुरू हो गया, 5 जुलाई तक अप्लाई करें, 15 जुलाई से पढ़ाई शुरू होने जा रही है। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार खत्म हो गया, 500 से ज्यादा सरकारी कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा राजस्थान में RPSC ने 905 पदों पर RAS की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया, 1 जुलाई से आवेदन कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 1 घंटे में 51 mm बारिश हो गई, बस अड्डे में पानी भर गया, गाड़ियां डूब गई, राज्य में 4 से 5 दिन अभी राहत के आसार नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश ने विकसित राज्य की नई पहचान बनाई है, राज्य की विकास दर 19% के पार, इस तरह के अपडेट्स हैं। बारिश से जुड़े अपडेट्स भी आ रहे हैं, मुंबई समेत महाराष्ट्र के 9 जिलों में मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर पानी भर गया, रायगढ़ में लैंडस्लाइड से रास्ता भी बंद हो गया, यानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में जोरदार बरसात है। वहीं UP में 7 लाख से अधिक नौकरियां आने वाली है, CM योगी जी ने यह बड़ा ऐलान किया है। वहीं PM मोदी जी के हाथ में होगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कमान, संसद के मानसून सत्र में बिल पेश होगा। KGF कॉपीराइट मामले में राहुल गांधी और जयराम रमेश को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है। वहीं साक्षी के हत्यारे साहिल के खिलाफ 640 पेज की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है। ग्रेटर नोएडा में आएंगे बागेश्वर धाम सरकार, बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा के जैतपुर में 9 जुलाई से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करेंगे। वहीं पनडुब्बी टाइटन में विस्फोट के बाद बाहर निकाला गया मलबा, 5 लोगों की जाने गई थी। टाइटेनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए समुद्र में उतरी पनडुब्बी टाइटन में विस्फोट के बाद उसका मलबा निकाल लिया गया। पंजाब में 2 दिन
दिन भारी बरसात के आसार हैं। तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती है, येलो अलर्ट जारी हुआ है। गाजियाबाद में भूमाफिया ने बेच दी रक्षा मंत्रालय की 18,000 वर्ग मीटर जमीन, खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आलम यह कि 10 महीने पहले करोड़ों रुपए की जमीन बेचे जाने की घटना की किसी भी अधिकारी को भनक तक नहीं लगी। 10 महीने पहले हुए फर्जी बेनामे के संबंध में बुधवार को सब रजिस्ट्रार द्वारा सियानी गेट थाने में शिकायत दी गई। इस तरह के अपडेट्स हैं। वहीं भारतीय वायुसेना का दुनिया मान रही है लोहा, तरंग शक्ति में IAF के साथ 12 देश मिलकर अभ्यास करेंगे। भारतीय वायुसेना इस साल के अंत में एक मेगा अभ्यास की मेजबानी करने की तैयारी कर रही है। मित्र देशों के साथ आयोजित होने वाले इस अभ्यास में कुल 10 से 12 देशों की वायुसेना शामिल होगी। वहीं घर में पड़ी हो पुरानी वॉशिंग मशीन या फिर पड़ा हो पुराना फोन, सब कुछ एक्सचेंज करेगा फ्लिपकार्ट, कबाड़ की दिक्कत हो जाएगी दूर। दरअसल फ्लिपकार्ट ने एक नए एक्सचेंज प्रोग्राम की घोषणा की है। इसके तहत पुराने कबाड़ बन चुके फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कंपनी एक्सचेंज करेगी। वहीं त्रिपुरा से जुड़ी एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है। रथ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में बुधवार शाम को उल्टा रथ यात्रा के दौरान हुए हादसे में 6 लोगों की जाने चली गई, 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुमारघाट इलाके में भगवान जगन्नाथ का लोहे से बना रथ हाई टेंशन लाइन से टकरा गया था, जिससे रथ खींचने वालों को तेज करंट लगा। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, 6 लोगों की जाने चली गई है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शोक व्यक्त किया, वही मुआवजा देने के भी निर्देश दिए गए। हरियाणा से जुड़ी खबर, लाल डोरे के बाद अब ढाणियों में भी 24 घंटे बिजली देने की तैयारी, विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा अब हरियाणा में शिमला का मजा ले पाएंगे, हवा में झूलते हुए दिखेगा दूर तक नजारा। 45 करोड़ में रोप वे तैयार हो रहा है। हरियाणा के नारनौल में स्थित ढोसी की पहाड़ियों पर राज्य का पहला रोप वे तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा रेलवे में 2,74,000 पद खाली है, सुरक्षा श्रेणी के 1,70,000 से अधिक पोस्ट, RTI से इस तरह का खुलासा हुआ है। बिहार में भी मानसून एक्टिव हो गया, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 17 जुलाई से नियमित सुनवाई होगी। पदोन्नति में आरक्षण प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच 17 जुलाई से नियमित सुनवाई शुरू करेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना सस्ता हुआ, चांदी की कीमत में उछाल देखने को मिला। बुधवार सुबह सोने का भाव 58,298 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, वहीं चांदी का भाव 69,695 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 29 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाके, कोंकण और गोवा, साथ ही तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, बिहार के पूर्वी इलाके, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, केरल, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मराठवाड़ा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और राजस्थान के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा दिल्ली NCR, रायलसीमा, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप किस राज्य में निवास करते हैं अपने राज्य का नाम भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें भी वीडियो में शामिल करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।